देखो बात कर रहे थे हम किसकी, अनुपात की, और बात करेंगे आज पार्ट सेकंड की। देखो दोस्तों, हमने बात की थी रेशियो में, जो सिंगल जब डिजिट दी गई हो तब हमने लास्ट में जो एग्जांपल किए थे वो किए थे। जैसे मैं आपको कहूँ a by 2 रेशियो b by 3 रेशियो c by 4 हो, और हमें पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c क्या हो, तो देखो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। जब मैंने बताया था इसी के साथ कंडीशन थी कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या था, 4c था, तब ऐसी स्थिति में हमें ये काम करना था। मैंने आपको बताया था कि जो जिसके नीचे वो उसी का है, लेकिन बगल वाला किसी और का है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया था कि जो जिसके नीचे उसको वहीं रख दिया था। जैसे दो एक के नीचे 3 और यहाँ कितना 4, तो अपना रेशियो क्या हो गया, 2:3:4। लेकिन जब ऐसी स्थिति थी तब हमने क्या किया था, तब दोस्तों हमने किया था कि जो जिसकी हम बात करें उसको छुपा लेंगे, जिसकी हम बात करें उसको क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। तो बात कर रहे हैं किसकी, ए की, ए वाले को छुपा लो जो बच गया, 3 और कौन बच गया 4, गुणा करो कितना आएगा 12। फिर हमारे पास कौन है, बी, बी वाले को छुपा लो तो यहाँ तो कौन है 2 और यहाँ कौन है 4, दोनों को जब इंटू करोगे तो कितना होगा 8। सी के बगल में कौन है 4, छुपा लो इसको, यहाँ गुणा करोगे तो कौन आएगा 6 आएगा। दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं किससे, 2 से, तो यहाँ तो कितना 6 और यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 3, अपना आंसर क्या हो गया 6, 4 और 3। अब देखो दोस्तों हम आगे बात करेंगे इसी के साथ, आगे जब हम बात करें तो इसी के साथ हमें दिया हो 2a/3 इक्वल टू 4b/5 इक्वल टू 1c, c/ क्या होगा 2 हो। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि हमें अगला पूछ ले कि a रेशियो b रेशियो c का जब हमें मान पूछा जाए, ये वीडियो सेकंड है, कि 2a/3 क्या था 3, 4b/5 क्या था 5 और c/ क्या था 2। जब हमें रेशियो पूछा जाए तो बात करें हम बेसिक मेथड की, तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग होगा अपना 2a/3 इक्वल टू 4b/5 इक्वल टू c/2 इक्वल टू, मैं नियतांक मान लिया मैंने क्या k। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि मैं क्या रख सकता हूँ, 2a/3 इक्वल टू क्या रख सकता हूँ k, k इक्वल टू क्या होगा 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, a इक्वल टू चाहिए तो 3k/2 क्या होगा 2 होगा। ऐसे ही किसका मान आ जाएगा b का, ऐसे ही मान किसका आ जाएगा c का, लेकिन ऐसा काम नहीं करना हमें, हमें करना क्या है कि जो ऊपर वाले हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, अंश का, 2 का और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब हमें क्या काम करना है कि 2/3 इंटू ए, जो एलसीएम आया उससे डिवाइड कर दो, कौन आया था 4, इक्वल टू 4/5 इंटू b/ क्या कर दूं 4 इक्वल टू सी 1/2 इंटू c/ कौन होगा 4, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कर सकते हो, यहाँ तो कौन आ गया 2, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ कौन हो गया, यानी a/ कौन आया 6 इक्वल टू b/ कौन आया 5 इक्वल टू c/ कौन आया 8। तो अपना रेशियो क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c, जो जिसके नीचे वो उसी का है, तो यहाँ तो कौन आ गया 6, यहाँ कौन आ गया 5 और यहाँ कौन आ गया 8, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो इसी के साथ आगे चलें। अब देखो दोस्तों हमें यह है क्वेश्चन यूं भी दे सकता है, एग्जांपल तौर पे मैं कहूँ कि a+b रेशियो b+c रेशियो c+a इक्वल टू, हमें जो दे दिया, हमें दिया है क्या 4:7:9 हो तो,
ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? देखो इसको ध्यान से देखना, अक्सर ये क्वेश्चन तो सबने देखा होगा कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास यहां से हो कितना 14 हो, तो C का मान क्या होगा? ये तो सबने देखा है कि C का मान क्या होगा, यानी हमें इसकी जरूरत है या नहीं, कि यहां तो ये नहीं दिया गया और फिर भी हमें तीनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करें कि A प्लस बी, देखो हम पहले बात करें किसकी, बेसिक की। बेसिक की जब हम बात करें तो ए प्लस बी इक्वल टू, कि मैं रेशियो तो पुट नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो मेरे पास 5:20 क्या हो 20 हो, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 1:4 कह सकता हूँ। क्यों? कि डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से। अर्थात जब ये वापस हमें 5 और कौन चाहिए 20 चाहिए, तो इंटू किससे करना होगा, 5 से दोनों को, यानी ये क्या है, एक समान संख्या है। तो इसके लिए मैंने कोई नेतांग मान लिया, मैंने इसको कह दिया 4x, क्या कह दिया 4x। फिर मैं कहूं b प्लस सी हो इक्वल टू, मैं क्या कह दूं 7x, सी प्लस ए इक्वल टू क्या कह दूं 9x। अब यदि मैं सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, यानी इन सबका सम लूं, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास क्या होगा, a और a क्या होगा 2a, B और B क्या होगा 2B, C और C क्या होगा 2C इक्वल टू, बताओ 4 और 7 कितने 11 और 9 कितना 20, और साथ में कौन है अक्स, इन सब में से कॉमन कौन आ रहा है 2, तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 20x होगा, तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 10x होगा। अब देखो एग्जाम में हमें यूं करें, जब बात करें कि हमें a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया गया है और तीनों का योग है वो तो 10x है और हमें दो दो का योग दिया हुआ है, तो एग्जाम में तो यूं करेंगे तो टाइम लगेगा, छोड़ दो इसको। हमें क्या काम करना है कि हमें जब हमने इसका बेसिक सॉल्यूशन किया तो हमें सामने क्या मिला कि यहां से हमें मिलेगा 2 तो क्या a, 2 क्या मिलेगा A, 2 ही मिलेगा B और 2 ही मिलेगा C, और इन सब का योग कर दो कितना आएगा 20। तो हमें पता है A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है A, B और किसकी C की। A, B और C की जब वैल्यू निकालनी है तो देखो यहां AB का मैं मान पुट करूं, AB का मान मेरे पास यहाँ कौन है 4, तो हमें पता है C का मान कितना बचेगा, 10 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा 6। फिर मैं B और C का मान पुट करूं, B और C का मान कितना है 7, B और C का मान मैं जब 7 पुट करूं तो A का मान कितना आएगा 3 आएगा। फिर मैं C और A का मान पुट करूं कितना 9, तो B का मान कितना आएगा 1, तो अपना आंसर क्या हो गया 3:1:6। कर सकते हो दोस्त, चल सकता हूँ आगे, कि हमने किया क्या कि इन सब का एक तरफ योग करोगे और इनका एक तरफ योग करोगे, इनका योग करोगे तो 2 ही तो ए होंगे, 2 ही बी होंगे, और 2 ही क्या होंगे सी होंगे। इधर क्या है टोटल 20 है, तो ए बी और सी तीनों का योग कितना आ रहा है 10, जब 2 का माइनस करोगे तो तीसरे का बचेगा नहीं बचेगा, तो हमने सबसे पहले ए और बी का माइनस किया तो किसका बच गया सी का, फिर हमने बी और सी का माइनस किया तो किसका बच गया ए का, और जब हमने सी और ए का माइनस किया तो बच गया किसका बी का। अब देखो इसी के साथ मैंने क्वेश्चन लिखा था एक और, कि मैंने कहा कि सेम वैसा ही मैं दूसरा ले लूं कि एक्स प्लस वाई रेशियो वाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स इक्वल टू 1:2 क्या हो 3 हो, तो हो सॉरी एक्स प्लस वाई रेशियो वाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स इक्वल टू 1:2:3 तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 1 हो, तो एक्स
वाई और जेड का मान क्या, का अनुपात क्या होगा, एक्स वाई और जेड का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, बेसिक से जब हम बात करें तो हमें पता है दो ही अक्ष होंगे, दो वाई होंगे, दो ही जेड होंगे, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में जो किया था उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको, कि यहाँ से जब मैं बात करूँ तो हमें पता है कि दो ही तो क्या होंगे अक्ष, दो ही क्या होंगे वाई, और दो ही क्या होंगे जेड, बराबर कितना रख दूँ छः। हमें पता है अक्ष प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, तीन आ गया। अब इसके साथ किसी नियतांक की जरूरत है तो मैं यहाँ क्या लगा दूँ, के लगा दूँ। तो हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है, एक। यहाँ यदि मैं मान रखूँ तो के इजक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन थ्री होगा या नहीं होगा, क्यों होगा कि मैंने यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर दिया, एक, ये इन टू में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो के इजक्वल टू वन अपॉन थ्री है। अब हमें एक्स वाई और जेड का रेशियो ज्ञात करना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू क्या है, वन है। जहां भी हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें, यानी एक्स और वाई की जगह कौन है, एक, एक को इंटू किससे करोगे, तो एक्स और वाई की जगह आ गया वन अपॉन थ्री प्लस जेड इजक्वल टू वन है, तो जेड इजक्वल टू वन माइनस वन अपॉन थ्री, तो जेड इजक्वल टू क्या होगा, टू अपॉन थ्री होगा। इसी प्रकार हम बात करें कि जब हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू वन है, सेकेंड है वाई और जेड, वाई और जेड की जगह मैं मान पुट करूं टू, टू को इंटू किससे करोगे, वन अपॉन थ्री से, वन अपॉन थ्री से इंटू करोगे, तो एक्स प्लस टू अपॉन थ्री इजक्वल टू वन है, तो एक्स इजक्वल टू वन माइनस टू अपॉन थ्री, तो एक्स इजक्वल टू क्या होगा, थ्री, यानी वन अपॉन थ्री। तो हमें पता वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन तीनों का क्या पूछा, अनुपात पूछे, चाहिए हमें क्या पूछे, मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या इसके बगैर भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इनको चेक करते हैं कि हमने जब यहां से ज्ञात किया तो हमारे पास मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सब डबल हैं, तो टू में डिवाइड में भेज दूं तो क्या होगा, थ्री। अब मुझे बताओ एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान यदि यहां कितना है, एक, माइनस करोगे तो जेड का मान कितना आएगा, दो आएगा। बताओ जेड का मान दो आ रहा है क्या, दो तो आ रहा है, लेकिन नीचे कौन है, तीन। फिर हम बात करें किसकी, कि वाई और जेड का मान कितना है, दो, माइनस करूं तो एक्स का मान कितना आएगा, एक। फिर देखो बात करें किसकी, जेड और एक्स की, दोनों का मान कितना है, तीन। बताओ तीन में से तीन माइनस करोगे तो जीरो आ रहा है, जीरो किस में से आ रहा है, यानी इसका भाग क्या है, वन, वन अपॉन थ्री, और वो थ्री बाई टू। चलो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यानी वन रेशियो टू रेशियो क्या है, थ्री है। अब देखो हम बात करें कि दिया हुआ है हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू वन हो, तो एक्स वाई जेड का अनुपात पूछे, चाहे हमें क्या पूछे, मान पूछे। जब इन तीनों को, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि इन तीनों का क्या कर दें, एक तरफ योग कर दें, तो दो ही तो अक्ष आएंगे, दो ही वाई आएंगे, और दो ही क्या आएंगे, जेड। दो मैंने कॉमन ले लिया, इन सब का योग क्या आ रहा है, सिक्स के, कि इक्वल टू डायरेक्ट तो हम मान नहीं रख सकते, लेकिन किसी नियतांक से इसे गुणा करके तो रख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, थ्री के। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमें गिवन है कौन, वैल्यू इक्वल टू वन है, तो के इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अब हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन है, तो इनमें से किसी दो का मान पुट करने पर तीसरे का मान अपने आप आएगा नहीं आएगा, तो एक्स प्लस वाई की जगह कौन है, वन। इसको किससे इंटू कर रखा हमने, के से, के की वैल्यू क्या है, वन अपॉन थ्री, तो वन अपॉन थ्री से इंटू करोगे वन को, तो वन अपॉन थ्री प्लस टू प्लस जेड, सॉरी, इक्वल टू आ गया वन, तो जेड इक्वल टू आ गया वन माइनस वन अपॉन थ्री। ये वैल्यू किसकी आ गई, जेड की। अब हमें पता है कि वाई और जेड की वैल्यू जो दे रखी है वो यहाँ कौन है, टू, इंटू कौन है, के, के का मान वन बाई टू, तो वन बाई टू से इंटू करोगे तो टू अपॉन क्या हो गया, थ्री, इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन माइनस टू अपॉन थ्री, एक्स इक्वल टू वन अपॉन थ्री, और वाई इक्वल टू क्या, टू अपॉन थ्री, तो वाई इक्वल, सॉरी, जेड इक्वल टू क्या है, टू अपॉन थ्री, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये मान आ गया किसका, एक्स वाई और जेड का। अब आपका जो क्वेश्चन मैंने जो लिखा था ए बी और सी वाला, देखो सीधा करेंगे बिल्कुल, कि हमें दिया होगा a प्लस बी
बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 6:7:8 तथा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 14। और हमें मान किसका पूछा है, सी का, किसी एक का पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है। मैंने अभी क्या बताया था, इन सब का क्या करेंगे, योग, योग करेंगे तो दो ही तो क्या होंगे ए, दो ही क्या होंगे बी, और दो ही क्या होंगे सी। इन सब का योग करोगे 13 और 8 कितना 21, किसी नेतांक से गुणा तो कर दूं, तो मैंने गुणा किससे कर दिया के से। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी इसकी जगह हमें कितना दे रखा है 14, तो यहाँ तो रख दूं 14, गुणा क्या कर दूं 2, बराबर क्या है 21 के। दोनों किससे कट रहे हैं 7 से, यहाँ तो कितना 3 और यहाँ कितना 2, यानी यहाँ तो आ गया 4 और यहाँ आ गया 3, तो के इक्वल टू क्या होगा 4/3 होगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सी की। तो बताओ ए और बी की वैल्यू यदि मैं पुट करूं यहां से इसमें, तो सी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, तो ए और बी की वैल्यू पुट करूं तो ए और बी का रेशियो क्या है 6, और के की वैल्यू क्या आई है 4/3 प्लस सी इक्वल टू क्या है 14, यहां क्या होगा 2 8 प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 14, सी इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस कितना 8, सी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कर सकते हो दोस्तों, इसी प्रकार दे सकता है, हमें 2 भी दे सकता है तो 3 भी दे सकता है। चलो आगे, अब देखो हम बात करें सी के साथ, हमें यूं दे दे कि ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए इक्वल टू 1:2:3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए इक्वल टू 1:2:3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो देखो जैसे हमने पीछे किया था वैसे हम बात करें, तो ए बी इक्वल टू 1x हो गया, बी सी इक्वल टू 2x हो गया, और सी ए इक्वल टू क्या हो गया 3x हो गया। जब इनको इंटू करें तो ए और ए क्या हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और क्या हो गया सी स्क्वायर, और इन सबको जब इंटू करूं तो ये होगा 6x³। शायद नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे कि ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू पुट आएगी, फिर बी सी की करेंगे तो ए की आएगी, और सी ए की पुट करेंगे तो बी की आएगी। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें क्या काम करना है कि जो यहाँ है उनका मल्टीपल ले लो, तो मल्टीपल लोगे तो ए बी और कौन सी, यूँ मान लो कि इनका मल्टीपल यानी एलसीएम ले लिया हमने, कौन आ गया 6 आ गया। अब हमें पता है कि ए गुणा बी गुणा सी बराबर कौन है 6 है, हमें रेशियो चाहिए किसका ए का बी का और सी का। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या करना है हमें कि ए हमें दिया हुआ है कौन ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए 1:2:3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान सा, यूं करेंगे तो बड़ा मुश्किल। तो हमने क्या लिया कि जो रेशियो दे रखा है उनका क्या ले लिया एलसीएम यानी मल्टीपल ले लिया, मल्टीपल लिया तो ए गुणा बी गुणा सी बराबर कौन आ गया 6 आ गया। अब देखो ए गुणा बी गुणा बराबर यहाँ ए बी है और फर्स्ट में यहाँ भी कौन है ए बी, तो बताओ इस ए बी वाला जो यहाँ मान दे रखा है कितना दे रखा है 1, इसको किससे गुणा करूं ताकि 6 आ जाए, तो वो मान किसका होगा सी का होगा। बताओ इसको किससे गुणा